दिवसीय कार्यशाला का समापन स्थानीय महिला दमयंती क्लब में आज किया गया, जहां बच्चों ने बढ़ चढ़कर अपनी एक से एक प्रस्तुतियां दी। वहीं शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आइए देखते हैं बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियां। नहीं किया तो इन सबके हौसले और देखा तुमने, देखा ना, सुबह से उठते साथ किसी से नमस्ते की, सीधे सब फोन में लग गए। अभी तो ये शुरुआत है, चलो तुम्हें और दिखाते हैं। और हमारे ड्रामे के लिए तालियां जरूर बजाइए।
लेकिन ये हमारा छोटा सा प्रयास इन बच्चों के द्वारा भी हम एक लाइव आर्ट परफॉर्मेंस करवाएं और एक थीम लेके जो आपको एक थीम भी यहाँ पे शो ऑफ करेंगे, फर्स्ट लाइव आर्ट परफॉर्मेंस। आप लोग एक जोरदार तालियों से इनका उत्साह वर्धन कर दें, क्योंकि बहुत हेजिटेशन हो रहा था इनको स्टेज पे आने के लिए कि सर हम कैसे करेंगे। तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे हमने तुझ पे हजारों सितम है किए हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म की रोज प्रैक्टिस करिए रुको आप लोग रोज अरे रुको बेटा रुको रुको रोज प्रैक्टिस करती है यही करोगे ना छोटू यहाँ रहो बेटा बार बार नहीं जाऊंगी Thank you.
क्या बोला बेटा?
संसार सृजन का, नए रंगों का, उमंगों का, दुनिया को देखने, जानने और समझने का, दुनिया को देखने, जानने और समझने का, छोड़ू हेलो राम 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 बस सारा दिन खेलना 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 घर तो बिल्कुल मैदान जैसा बना दिया है। कहाँ गई मेरी माँ, कहाँ गई महारानी? घर साफ करो तुम लोग। राम 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 मल्लू की भाई कहाँ गए मल्लू के पापा? अरे बारे बाप, आज तो जमीन जा खूबसूरत लग रही। अरे रे 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 पिटवन ना दी आके तो री देखी बात तो ब्यूटीफुल होई। गुलाबी आके जो तोरी देखी गुलाबी जो दिल हो गाओ जमालो मुख वो मोरे यारो समन मो मुस्कुराचल। शर्म नहीं आती? दांत पहनो दांत पहनो दांत। एक पाक कमर में वो रोमांस करने निकले हैं। राम 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 रोटियां से को गरम गरम। राम 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 शुरू हो गई। राम 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 एम्बुलेंस। अरे
पालियो की पाई की बहू लड़का इचाना ध्यान रख ले जब जज घर है। हाँ बाबूजी हाँ हाँ अरे मेरा चुल्ली पका गया, मेरा चुल्ली पका गया, बोला था मुझे कुलदीप पक चाहिए, चिराग चाहिए, घर का वंश मेला चाहिए, फिर से तू मोड़ी लेके ले ले बेटी हो या बेटा इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। अब तो विज्ञान भी कहता है कि बेटा या बेटी होने पर औरत का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन समाज आज भी बेटी की चाहत रखता है। दुनिया दुनिया बाहर की मत देखना, दुनिया दुनिया बाहर की मत देखना, घर में रहना सबको मत देखना, घर में रहना सबको मत देखना। बेटियां चढ़ाना पड़ेगा। अरे भैया गाना गाते शराब में होता तो नाचती। अरे भैया गाना बजाओ यार, रोमांटिक सा सफर सुनाना है। चलो चलो भैया चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चल तो रहे भैया गाड़ी है गाड़ी। अरे चलाओ ना तो थोड़ा ब्रेक ब्रेक मारो। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी कहाँ, ब्रेक लग गया भाई। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं बहुत देर से देख रही हूँ तुम इस बच्ची के साथ बदतमीजी पे बदतमीजी करते जा रहे हो। अरे माता जी दुनिया बहुत बड़ी है, आपको प्यार जरूर होगा, तो बैठ जाइए। मैं तुम्हें अभी समझाती हूँ। अरे क्या समझाएंगे, देखिए इनको जरा, इस लड़के को क्या बदतमीजी में बदतमीजी कर रहा है। क्यों तेरे घर में माँ बहन नहीं है? आए? इसको बस से बाहर निकालो, बस से बाहर निकाल। मेरा बेटा पुलिस इंस्पेक्टर है। हमारे चाचा भी विधायक भी है। तो क्या हुआ, चल निकल यहाँ पर से। अरे चल निकल। क्योंकि आपने मेरे को रोका। मतलब? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड किया,
लेकिन अभी तक आपने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। आपके मैसेजेस होते हैं ना, वो रिप्लाई योग नहीं होते। ओके मैडम, मैं समझ गया, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बैठिए मैडम, आप लंच कीजिए। मैं आपकी कान की पाली बहुत ही सुंदर दिख रही है। माइंड योर लैंग्वेज। मैडम आपका काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करती हूँ, आप हमारे कलीग से पूछ सकते हैं। मैडम आप बहुत ही सुंदर हैं। आपको जन्म देने वाला बाप, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधे की तकलीफों के छेदों को अपनी बनियान में पहन लेता है, वो बाप होता है। ये सच है कि 9 महीने पालती है माँ हमें पेट में, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। मेरे सपने अपने समझ कर पूरा उनको करते हो, उन सपनों की सब सहते हो, हमसे कुछ नहीं कहते हो पापा, खुद सब सहते नहीं कुछ कहते हो। तुम्हारे तुमको ये नहीं परवाह है, बच्चों को कुछ कमी रहे ना इसी बात का झगड़ा है। अपने
जिससे मैं कभी बात करूं तो मन ही मन सह जाते पापा खुद सब सहते हो हमसे कुछ नहीं कहते हो एक इंसान नहीं सारे जहां से मेरे लिए लड़ सकते मेरी तरफ एक आज भी आए तो खुद आगे जाते हो पापा खुद सब सहते हो हमसे कुछ कहते हो पापा खुद सब सहते हो हमसे नहीं कुछ कहते हो पिता रोटी है कपड़ा है मकान है पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है पिता रोटी है कपड़ा है मकान है पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है पिता है तो घर में प्रतिपल राग है पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना
है दिल की आरज़ू।
दबंध क्लब की सभी सम्मान्य सदस्यगण, उपस्थित महानुभाव, जब हम गायन हो, किसी भी तरह की जो कला है वो व्यक्ति को माचने का काम करती है, पुरस्कृत करने का काम करती है, संस्कारित करने का काम करती है। आदरणीय राजू भाई, आप लोग तालियां तो बजाइए, कृपया तालियां बजाइए, बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। माही जैन, चिराग सिंघानिया, अयाची, प्रियांशु आ जाइए आप लोग तालियां। कृपया मनोज साइनी जी की बेटी है वैष्णवी दुबे जी, एक्टिंग आती जाइए। तनिष्का अवनी जैन, अवनी कहाँ हो, इधर आओ। ये अवनी जैन थी, सुनीता अग्रवाल जी, ये मेरा पिताजी है। आदित्य खरे, ये संजय खरे जी हमारे युवा नाट्य मंच के, उनके बेटे हैं। योगेश रजक, श्री रामू रजक जी के बेटे हैं। योगेश, योगेश आ जाइए बेटा, प्लीज तालियां बजाते रहिए। कुमारी श्रेया जैन, शांत रहे, एनी चिन्नू है, यदि ब्रजेंद्र हो तो कृपया मंच पर आ जाए। ब्रजेंद्र जी, इनाया यश चौबे, श्री जागेश्वर जहीरुद्दीन खान साहब के बेटे हैं, ये बहुत सारे नाटक। अक्षर अगर दुबे, डॉटर अरोग सुनील दुबे जी के, राघव जी डांस और अभिनय सब में थी ये बिटिया। आराध्यकांत बर्मन संगीत के शिक्षक हैं, उनके बेटे हैं। गुरमीत कौर जी, सौम्या जैन, गुरमीत भाभी सौम्या जैन, अच्छा भाई भाव, सारी महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर नृत्य किया, एक बार जोरदार ताली आप सभी के लिए। ताई दी गुनमन भाई, पढ़ना है क्या? श्री गुरुदयाल चौबे जी की बेटी है अनामिका। आशुतोष धगड़, श्री वीरेंद्र धगड़ जी के बेटे हैं आशुतोष। आद्रिका दुबे, श्री नीरज दुबे, आइए ग्रीष्मा जी प्लीज लीजिए। ऋषिका है क्या, प्रवीण है क्या, लीजिए। रक्षित सिंह, श्री धर्मेंद्र सिंह के बेटे हैं, जल्दी। ईशा तिवारी, ऋषि अग्रवाल, श्री नरेंद्र अग्रवाल जी, ईशा जल्दी आइए। ओजस्वी दुबे, श्री विजय दुबे जी की बेटी है, ओजी की बेटी है। अन्वेषा जैन, आइए अन्वेषा लीजिए, अन्वेषा के लीजिए जैन। जैन, जिन बच्चों का यदि छूट गया हो तो सबसे